भाई यहाँ पे मैं काटा लेके आ चुका हूँ, मतलब जिसमें पंचर करने वाला हूँ, और ऑटो रिपेयर कैसे होता है दिखाता हूँ मैं। तो ये टायर में घुसा रहा हूँ, यो भाई पूरा घुस गया, लेकिन अभी एयर लीक नहीं हुई है। इसको निकालूंगा तब एयर लीक होगी। और एयर मतलब कभी कभार होता है, जैसे मैंने ये घुसा दिया है, अभी हवा निकली नहीं है। और ये वक्त वेलकम बैक टू माई चैनल। तो भाई आज मैं मतलब जो पिछली वीडियो डालती मैंने रिलेटेड पंचर के रिलेटेड किया, धोखा दिया है पिछली बार साइकिल मेरी, तो मैंने उसको ठीक करवा लिया। और क्या गलती थी मैं पूरी वीडियो बताने वाला हूँ, कि बहुत सारे चांसेस क्यों होते हैं कि पंचर हो जाए आपका ट्यूबलेस रेड रिम और स्टी बीड खुल जाए। तो भाई पूरी वीडियो देखना। ये मेरी साइकिल जो मतलब जिसमें मैंने ट्यूबलेस रेडी कर रखा है, मतलब ट्यूबलेस करवा रखा है मैंने इसमें। और ये है ST 540 स्पोर्ट्स ट्रेल रॉक राइडर फ्रॉम डिकैथलॉन। तो भाई मैंने बहुत सारी रिव्यू दे रखे, बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो भी इधर ही बनाई थी, जो मैंने मतलब मेरी नई नई साइकिल आई थी मैंने इधर ही बनाया था। और ये है ताजपुर गांव, पूरा सुनसान रहता है भाई। और ये है भूतिया हवेली, जो कहीं जाता नहीं है, बच्चे जाते हैं भूतिया बनाने के लिए। तो भाई यहाँ मैंने ये है 27.5 डबल वॉल ट्यूबलेस रेडी रिम। तो इसमें मतलब मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि धोखा दे दिया, बीड खुल गई थी। क्यों खुल गई थी? ट्यूबलेस प्रेशर, एयर प्रेशर तो बहुत कम था, मैंने एकदम से ज़्यादा प्रेशर रास्ते में ज़्यादा करवा लिया था। तो उसके जो मतलब ये पूरा सूखा हुआ था, जो उसमें तो सीलेंट था नहीं, तो जो पंचर थे वो रिकवर नहीं हो पाए, ऑटो रिपेयर नहीं हो पाए, और हवा निकल गई सारी और भीड़ खुल गई थी। तो मैंने कुछ जुगाड़ करके ऐसे कुछ करके लेके आया घर पर। उसके बाद मैंने सीलेंट ऑर्डर किया था, उसके एक दो हफ्ते बाद आया था। उसके बाद मैंने इसमें रिफ़िल करा, और रिफ़िल की मैंने वीडियो नहीं बनाई यार वैसे। तो मैं अभी पूरी मतलब जो साइकिल है इसका मैं टायर पंचर करके दिखाऊंगा, पंचर कैसे होता है, ऑटो रिपेयर कैसे होता है, और बेनिफिट क्या होता है कि आप कभी MTB ट्रेल से जाते हैं, पंचर होए तो कैसे ऑटो रिपेयर हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो दोनों टायर में सीलेंट डाला है, 150-150 ml डाला है मैंने, ज़्यादा नीड भी नहीं होती, साइकिल ज़्यादा भारी हो जाती है। तो कांटा ढूंढ के लाता हूँ इधर से मैं, इधर जंगल से कहीं। तो भाई यहाँ पूरा भाई यहाँ पे मैं काटा लेके आ चुका हूँ, मतलब जिसमें पंचर करने वाला हूँ, और ऑटो रिपेयर कैसे होता है दिखाता हूँ मैं। तो ये टायर में घुसा रहा हूँ, यो भाई पूरा घुस गया, लेकिन अभी एयर लीक नहीं हुई है, इसको निकालूंगा तब एयर लीक होगी। और एयर मतलब कभी कभार होता है, जैसे मैंने ये घुसा दिया है, अभी हवा निकली नहीं है। और ये वक्त हमें निकालता हूँ, मतलब 5 मिनट हो गया यार मैंने, अभी तो हवा निकली नहीं, जैसे ही हवा निकालूंगा ये हवा निकलेगी, और टायर घुमाते रहो खुद ही सील हो जाएगा। अभी भाई मेरे हिसाब से सील हो गया, आवाज भी नहीं आ रही भाई। कुछ सेकंड में आप चलाते रहो ना रेगुलर, देखो भी ना काटा हुआ है या नहीं हुआ, पंचर हुआ है नहीं हुआ, खुद ही सील हो जाता है। मैं ढूंढता हूँ पंचर हुआ कहाँ था, ये रहा। तो यहाँ कुछ पंचर हुआ था, और जो लिक्विड था ना, जो सीलेंट था हमारा, वो वर्क कर गया प्रॉपरली। वैसे तो मैं मतलब हरदम पंचर होता है तो मैं कांटे कभी निकालता नहीं, खुद ही लगे रहने देता हूँ। कुछ कुछ होते हैं बड़े कांटे होते हैं, वो जल्दी मतलब ऑटोमेटिकली सील रिपेयर नहीं करता, उसमें वो लगता है प्लग। तो मैं निकालता नहीं हूँ कांटे ज़्यादा चांसेस में। वैसे तो यार मतलब प्रॉपर काम कर रहा है, गीला हो रखा है ना ये हमारा। यहाँ मैंने पंचर किया था, ये वाइट वाइट लिक्विड निकल रहा है इसमें से, अब बंद हो गया, पूरी हवा निकल गई। पहले आवाज़ भी आ रही थी, आवाज़ भी नहीं आ रही। तो ये कुछ फ़ायदा होता है ट्यूबलेस टायर का, ट्यूबलेस रेडी आप करवा भी ले, तो ट्यूबलेस टायर नहीं है तो आप करवा भी सकते हैं। तो इसमें यही फ़ायदा होता है कि अभी आप ट्रेल से कभी भी जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती इसमें। बट बहुत कभी मतलब 10% रहता है कि आपकी बीड खुल जाती है कभी ऑफ रोड्स में, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन मेरे तो एक ही बार खुली है जब से मैंने साइकिल ली है, 7-8 महीने हो गए यार, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। आप ट्यूब मतलब इसके लिए क्या होता है, आप प्रॉपर आपके टायर प्रेशर रहना चाहिए एंड सीलेंट। मेरी बीड इसलिए खुली थी, टायर की जो रास्ते में खुली थी, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, इसलिए खुली थी क्योंकि यार मैंने सीलेंट इसमें प्रॉपर डाला नहीं था, और मतलब सूख गया था पूरा सीलेंट। तो मैंने उससे पहले भी आधे एक घंटे पहले वीडियो बनाई थी, बताया था कि सीलेंट बहुत कम है इसमें, और आधे घंटे बाद इसका हो गया काम। तो ये हुआ था कुछ। तो वैसे बीड खुलती नहीं है, प्रॉपर आप एयर प्रेशर रखो और टायर अच्छे होने चाहिए आपके, अब तब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी बीड खुले और आपको कोई धोखा मिले। और भाई बहुत यूज़फुल होता है कि आप एक बार परेशान होने से अच्छा ट्यूबलेस करवा लो, कोई टेंशन नहीं रहती है ट्रेल से, आप प्रॉपर राइडिंग करते हैं। MTB साइकिल है तो आपको करवा ही लेना चाहिए भाई, मेरी मानो तो सस्ता ही पड़ता है पंचर बनवाने से। और जो मैं सीलेंट मैंने इसमें डाला है, जो यूज़ कर रहा हूँ, वो अमेज़ॉन में मिल जाएगा आपको इजली,
तो वो आपको मैं लिंक दे दूंगा इसी और डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो यार ये प्रेस्टा श्रेडर कंपैटिबल एक्सटर्ड रिम है और ट्यूबलेस भी है, डबल वॉल ट्यूबलेस है, 27.5 डबल वॉल ट्यूबलेस रेडी, डबल वॉल रिम ट्यूबलेस रेडी है। तो इसमें मतलब थोड़ा इजी होता है और डबल वॉल में ही होगा आपका ट्यूबलेस, और जो सिंगल वॉल होता है ना रिम उसमें नहीं होगा क्योंकि वो बहुत फैला होता है और हमने ट्राई भी किया था तो उसमें नहीं होता ट्यूबलेस, तो पैसा बर्बाद होगा आपका, ट्राई मत करना। करने के बाद भी आराम चल रही है, एक दो पॉइंट हवा कम होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। और फुल सपोर्ट भाई दिखा देना, मतलब लाइक शेयर कमेंट करना, जो भी अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना। तुम्हारे भाई ने टायर पंचर कर दिया इसी बात पे,